goddamn zombie tiger. बीते कुछ टाइम से जैक स्नाइडर की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है, जब से जस्टिस लीग के स्नाइडर कट की मांग शुरू हुई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस लीग से पहले स्नाइडर को कोई जानता नहीं था, कि जैक स्नाइडर तो मूवी फैंस के बीच अपनी क्लासिक मूवीज 300, मैन ऑफ द स्टील, वॉचमैन और डॉन ऑफ द डेड जैसी और भी कई मूवीज की वजह से काफी फेमस रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा कि जस्टिस लीग के स्नाइडर कट की वजह से जैक स्नाइडर की पॉपुलैरिटी की रीच और भी ज्यादा हो गई है, और इसीलिए जैक की नई अपकमिंग मूवी आर्मी ऑफ द डेड के लिए स्नाइडर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसका न्यू ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। जॉम्बीज पर बेस्ड ये मूवी काफी अलग तरह से जॉम्बीज को दिखाने वाली है। इसमें जॉम्बीज फास्टर हैं, स्मार्टर हैं और अपनी पूरी आर्मी बना के रखी हुई है। वैसे इस मूवी के लिए एक प्रीक्वल मूवी भी जैक स्नाइडर ने प्लान करके रखी है, जो आर्मी ऑफ द थीव्स यानी कि डेव बटिस्टा और उसके जो साथी ट्रेलर में दिखाए गए हैं उनके पहली बार मिलने के ऊपर बेस्ड होगी। साथ में एक एनिमे स्पिन ऑफ भी आगे चलकर आने वाला है। तो इस वीडियो में आर्मी ऑफ द डेड से जुड़ी काफी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, साथ में ट्रेलर में से कुछ कमाल की डिटेल्स भी देखेंगे जो जैक स्नाइडर ने अपने ट्रू फैंस के लिए रखी हुई है। अब ये मूवी 21 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आर्मी ऑफ द डेड का प्लॉट कुछ इस तरह का है कि स्कॉट वार्ड यानी कि डेव बटिस्टा, जो कि एक हाईली स्किल्ड मिलिट्री मैन रह चुके हैं, अब एक लकी बॉय नाम का डाइनर चला। एक दिन यहाँ पे हंटर ब्लाई यानी कि हिरोयुकी सनेडा स्कॉट के लिए एक जॉब लेकर आते हैं, जिसके लिए वो $50 मिलियन का ऑफर देते हैं। अब हिरोयुकी सनेडा को आपने पहली मॉर्टल कॉम्बैट, द लास्ट सैमुराई और एवेंजर्स एंडगेम में भी देखा होगा। तो यहाँ सेनेडा जिस जॉब की बात कर रहे हैं वो थी कि लास वेगस में एक वॉल्ट में से $200 मिलियन निकालने हैं, जिसके लिए केवल 32 आवर्स की एक टाइम विंडो मिलेगी। इस जॉब के लिए स्कॉट अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को रीअसेंबल करता है। ट्रेलर के इन शॉट्स में जैक स्नाइडर की सिनेमेटोग्राफी प्रोडिजी दिखती है, काफी कमाल के सीन्स हैं। जैक स्नाइडर इस आर्मी ऑफ द डेड मूवी के डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर दोनों ही हैं। स्कॉट के फ्रेंड्स में से क्रूज हैं, जिसका रोल एना डेला रेगुलेरा प्ले कर रही हैं। एक्टर ओमारी हार्डविक है, जो वेंडर होकर कैरेक्टर प्ले करेंगे। इसी तरह रॉल कैस्टेलो, टिग्नोटैरो और एला पर्नेल जैसे एक्टर्स हैं। ट्रेलर में काफी छोटी छोटी इजी टू मिस डिटेल्स हैं, जैसे जो वॉल्ट के ब्लूप्रिंट्स हैं जर्मन लैंग्वेज में है। दूसरे सीन में जब वेंडर हो अपने वेपन सही कर रहा था तो उसकी चेस्ट पर आप डार्क साइड के ओमेगा सिंबल का टैटू देख सकते हो। अब जैक स्नाइडर डीसी फैन भी है बहुत बड़े वाले, और जस्टिस लीग में डार्क साइड को इंट्रोड्यूस भी कराया है। यहाँ पर ये ईस्टर एग रखना काफी कूल चीज थी। इसके अलावा एक सीन में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी दिखती हैं। अब सुनने में आया कि मूवी में हुमा का रोल छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि 200 मिलियन रॉब करना बड़ी चीज नहीं थी, बल्कि वेगस से बाहर सही सलामत निकलना बड़ी चीज है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा जॉम्बीज हैं जितने आजकल इलेक्शन रैलीज में लोग नहीं पहुंच पाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर वेगस में इतने जॉम्बीज अपनी आर्मी बनाए हुए हैं तो क्या बाकी जगह के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इतने बड़ी जॉम्बी आउटब्रेक के बावजूद इतने नॉर्मली कैसे रह पा रहे हैं। इसका आंसर तो मूवी में ही मिलेगा, लेकिन ट्रेलर में इस पॉइंट से इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग जैक स्नाइडर को क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं कि इनकी मूवीज कलरफुल नहीं होती हैं, डार्क सी लगती हैं, तो इस मूवी में स्नाइडर ने पूरी कलर्स की होली बना दी है। काफी नियोनिश और कलरफुल ट्रेलर है। अलग अलग वैरायटीज के जॉम्बीज भी हैं इस मूवी में। शो गर्ल जॉम्बीज, एल्विस जॉम्बी, बैचलरेट जॉम्बी, जॉम्बी स्ट्रिपर, अल्फा जॉम्बी, शैम्बलर जॉम्बीज। इस मूवी के जॉम्बीज ट्रेडिशनल जॉम्बीज से काफी अलग है। ये फास्टर है, स्मार्टर है, अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ फाइट कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले जॉम्बीज भी हैं, और एक कूल सीन तो तब आता है जब एक जॉम्बी टाइगर दिखता है। इन सब ने मिलकर पूरे वेगस का कबाड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग लास्ट वेगस का मजा उठाने आए थे उनका लास्ट वेगस हो गया। अब इन सब के बीच स्कॉट और उसकी टीम फंस गई है, लेकिन एक और टीम जो कि यूएस आर्मी की लग रही है इनको यहाँ ज्वाइन करती है, जिसमें एक्टर नॉरा आर्नजेडर और गैरेट डेलोहॉन्ट जैसे एक्टर्स हैं। तो इन्हीं सब इवेंट्स के बीच मूवी फ्लोट करेगी। वैसे तो जॉम्बीज पर बेस्ड काफी मूवीज आती ही रहती हैं, बट जैक स्नाइडर की वजह से इससे काफी उम्मीदें हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये मूवी 2007 से ही डेवलपमेंट में थी, तो अब जाके ये मूवी आने वाली है। ट्रेलर में जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो केनी रॉजर्स का द गैम्बलर है, जो इन सीन्स पर काफी फिट बैठ रहा है। वैसे जॉम्बीज की आर्मी का कॉन्सेप्ट हम काफी टाइम पहले रेजिडेंट एविल 3 में भी देख चुके हैं, लेकिन आजकल की बात अलग है। काफी टाइम से पैंडेमिक की वजह से बड़ी बड़ी मूवीज आ नहीं पा रही हैं, ऐसे में जॉम्बी हॉरर मूवी और वो भी जैक स्नाइडर मेड, इसीलिए फैंस में एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा है। अब आपका ट्रेलर में से फेवरेट मूवमेंट कौन सा है कमेंट्स में शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम की मूवीज और वेब सीरीज पर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू एज़वेयर की वीडियोस देखते रहिए।